स्टीव शर्मा, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज राजस्थान और बड़ी खबर के इस बुलेटिन में शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर के साथ बाड़मेर से खबर आ रही है, रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर बड़ा बवाल हुआ है। रिफाइनरी के कर्मचारियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई है, कई वाहनों में तोड़फोड़ कर लगाई आग, तहसीलदार और थाना अधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, मंडापुरा सरपंच पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। मौके पर आला अधिकारी और पुलिस जाप्ता पहुंचा है। रिफाइनरी के कर्मचारी भड़क उठे, मंडापुरा सरपंच पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश, कुछ वाहनों में भी आग लगाई गई। बाड़मेर से एक खबर सामने आ रही है, रिफाइनरी कर्मचारियों के 2 गुटों में मारपीट हुई है, कई मंडापुरा सरपंच पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश हुई, तहसीलदार पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश हुई। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, कुछ धुआं उठता नजर आ रहा है, जहां पर कुछ वाहनों को भी आग लगाने की खबर है। करीबन 2 घंटे पूर्व करीबन 6-7 गाड़ियों में कुछ असामाजिक तत्व आए थे, वहां तहसीलदार जी साहब एक पक्ष का ज्ञापन ले रहे थे, उस समय उन गाड़ियों से हमला किया, प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों पक्ष झगड़े और इसी दौरान 2 गाड़ियों को आग लगा दी। मौके पे अभी सीओ बालोत्रा और सीओ पचपदरा और करीबन 60 लोग हम मौजूद है और रिफाइनरी व्यवस्थित रूप से चल रही है, कानून व्यवस्था शांति है। जो हमलावर है क्या आइडेंटिफाई हो पाया क्या सर, कौन थे? अभी कर रहे हैं इसका, इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, FIR ली जा रही है। आज सुबह ही जैसे मुझे इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ 36 कौम के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जो कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने की प्राथमिकता हो या ठेका लेने की जो प्राथमिकता हो, और कुछ न्यूसेंस जो लोग दूसरे फैला रहे हैं यहाँ पर, कुछ आए दिन शांतिपूर्ण के वगैरह के मैटर होते रहते हैं, तो उस पर्पज़ से यहाँ लोगों ने कुछ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। मेरे यहाँ पहुँचने पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुझे ज्ञापन देने की, वार्ता करने की और पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से ये वार्ता करने के लिए वो आमंत्रित थे, बात कर रहे थे हम। एकाएक पीछे से 5-7 जो बोलेरो गाड़ियां हैं काले शीशे थे, और वो उन भीड़ के ऊपर मैं भी वहीं था, 2 थानेदार मेरे साथ थे और मंडापुरा सरपंच साहब और बाकी जो उनके प्रतिनिधि थे वो सभी यहां पर थे, और पीछे से 5-7 गाड़ियों द्वारा उनका भीड़ सहित हमें भी कुचलने की कोशिश की गई। तो संवाददाता सवाई परिहार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सवाई, कब की यह घटना है और फिलहाल पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सवेरे शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के आगे, और मौके पे तहसीलदार थे और पचपदरा CI सहित तमाम जाप्ता मौजूद था, और शांतिपूर्ण धरने में असामाजिक तत्वों द्वारा 4-5 गाड़ियों से इनको कुचलने का प्रयास किया गया। 4-5 गाड़ियों के जरिए कुचलने का प्रयास हुआ, ये कब की घटना है और अभी पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? जी, पुलिस अभी जो हमलावर है उनको आइडेंटिफाई कर रही है, और मौके पर जो सर्किल का पूरा जाब्ता है वो तैनात है, अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। रिफाइनरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बारे में? जी, अभी प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और फिलहाल रिफाइनरी अधिकारियों की ओर से कोई पुख्ता बयान नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाई परियार, और तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए बताने के लिए।